भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बयान है। क्योंकि आपको पता है किस तरह से बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी होना, लेकिन इसे लेकर मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं ये भी आपको सुना देते हैं। एमपी को भी विकास के पथ पर ले जाने का विजन मुख्यमंत्री रखते हुए नजर आए हैं, सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, पर्यटन पर फोकस रहा। ग्रामीण और शहर विकास को लेकर हम लगातार काम करते आ रहे हैं। हर वर्ग के कल्याण का विजन हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात भी स्पष्ट की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मैनिफेस्टो को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यही मुद्दे हैं जो कि केंद्र में रहेंगे, और जिस तरह से बीते सालों से भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है उसी प्रकार आने वाले समय में भी यही वादे रहेंगे, यही मुद्दे रहेंगे और विकास का काम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। विकास के पथ पर ले जाने का विजन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको नजर आएगा। ये शब्द हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र भी जारी होना है, उसी को लेकर सवाल उनसे किया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री की ये प्रतिक्रिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होता है संकल्प पत्र। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया, एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई, लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो, निवेश हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, ग्रामीण या शहरी विकास हो, या समाज के हर वर्ग का कल्याण, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटा बेटी हो, कमजोर वर्ग हो, सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक विजन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो विजन आज हम प्रस्तुत करेंगे और फिर उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। पहले जो वादे किए। और आइए अब सीधे आपको आमला लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं।